हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इंक्लूड और रिक्वायर में क्या अंतर है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्लूड, इंक्लूड वंस, रिक्वायर और रिक्वायर वंस, इनमें क्या अंतर है। तो अपने इस वीडियो में मैं इंक्लूड इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत वीडियो देखिएगा, कट करने की कोशिश मत करिएगा। स्पीड आप बढ़ा लो सेटिंग पे जाकर, ठीक है, लेकिन स्टेप्स को मिस मत करिएगा। आउटपुट जब आप देखोगे तब आपको, मैं आपको बता रहा हूँ 100% आप कभी भी इंटरव्यू में कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपसे इंटरव्यूअर ये सवाल पूछे इंक्लूड रिक्वायर, इंक्लूड वंस रिक्वायर वंस में क्या अंतर है। मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल आज का टॉपिक जो है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड वंस एंड रिक्वायर वंस, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा इंक्लूड इंक्लूड वंस में क्या अंतर है, ठीक है, इसी तरीके से रिक्वायर और रिक्वायरमेंट्स में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंक्लूड का जो इस्तेमाल करते हैं वो हम किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए करते हैं अपने करेंट प्रोग्राम में। तो अभी यहाँ पे हम जो एक्सटर्नल कोई भी फाइल हो, अब हम अपने प्रेजेंट जो कोडिंग हम कर रहे हैं इस समय, कोडिंग हमारी जो हो रही है वो है एरर इंक्लूड अंडरस्कोर रिक्वायर डॉट पी एच पी, ठीक है ना, एरर अंडरस्कोर इंक्लूड अंडरस्कोर रिक्वायर डॉट पी एच पी। एक बाहर की फाइल को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इंक्लूड के थ्रू, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे आता है इंक्लूड वंस, व्हाट इज इंक्लूड वंस। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंक्लूड वंस, जैसा कि वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वंस, एक ही बार इस फाइल को आप कहते हैं यहाँ पे शो कर सकते हैं, एक ही बार जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं इंक्लूड वंस के केस में, ठीक है। लेकिन इंक्लूड के केस में क्या है, जब भी ये इंक्लूड कॉल होगा ये फाइल रन होगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया इको, दिया था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या इको दिया, प्लीज क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर ठीक है ना, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, ओके। अब हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कराया, मैंने एक टाइम इंक्लूड कराया, रिजल्ट आप देख सकते हो क्या होगा इसका रिजल्ट। मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ शो हो रहा है, देखते हैं इंक्लूड ए डॉट पी एच पी, ठीक है, सब कुछ सही है। यहाँ ऐसे सो होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आती है, देखिए यहाँ गलत हो गया है, ठीक है, इसको सही कर लिया हमने। दोस्तों जहाँ पे एरर हो उसे जरूर ध्यान से देखा करिए, क्योंकि जो एरर होती हैं वो अक्सर करके प्रोग्रामिंग में वही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अगर आप फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू लेने जा रहे हो और जो इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको क्या होगा कि आपका ही फ्रेशर आप तभी कहलाते हो जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो या कोई कोड कर सकते हो, कुछ बना सकते हो, तो आप फ्रेशर नहीं हो, एक्सपीरियंस जा सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है आप जो है काम करते करते छोटी छोटी गलतियाँ आप करना छोड़ दो और जो है नए कुछ जो है इम्प्लीमेंटेशन आप सीख जाओ, तो आप फ्रेशर से आप एक्सपीरियंस बंदे बन जाते हो। तो यहाँ पे भी आप अगर एरर आती है तो उसे ये समझ के वो छोड़ दीजिएगा कि यह एरर आ रही है, ये क्या वीडियो मतलब क्या है, ऐसा नहीं है। जो एरर है उसे आप ध्यान से, आप एक प्रोग्रामर हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप प्रोग्रामर
जॉब ज्वाइन करने जा रहे हो तो एरर्स जहाँ पे भी आती हैं वहाँ जरूर ध्यान से देखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्रेटर देन साइन नहीं लगाया था और कोड रन नहीं हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कोड रन होगा, यहाँ पे सो गया होगा, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल, ठीक है, ये सो हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये इंक्लूड्स वेलकम टू माई चैनल इको पी आर, यहाँ पे एक ग्रेटर देन साइन यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है, ये आया थैंक्स टू माई वॉच माई वीडियो क्यों। फिर सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो फाइल ये इंक्लूड कराई गई थी इनका, इसका कोड पहले एग्जीक्यूट होगा, पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जाके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जो पीएचपी में जो प्रोग्राम रन होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, यानी जो पहला स्टेटमेंट उसके बाद सेकंड थर्ड इस स्टेप बाय स्टेप होता था। जैसे इसने इंक्लूड कराया इस फाइल के अंदर जो कोड था वो यहाँ पे से एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद वो प्रिंट भी हुआ, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल प्लीज क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट वीडियो और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ये जो है ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं कि ये इंक्लूड वंस में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है इंक्लूड वंस में। तो हमने यहाँ पे फिर से इस फाइल को इंक्लूड कराया, ठीक है, फिर से एक बार इस फाइल को हम इंक्लूड कराते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पे जादू होता है, ये देखिए दोबारा इसने फिर लिखा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल प्लीज क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बेल फॉर लेटेस्ट वीडियो, यानी इस फाइल को जब हम इंक्लूड करा रहे हैं तो ये नहीं चेक कर रहा है कि आपका पहले से फाइल अपलोड है यहाँ पे या नहीं है। जितनी बार आप इंक्लूड का इस्तेमाल करोगे उतनी बार फाइल यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, उतनी बार ये कोड रन होगा। देखिए मैं यहाँ पे 3 times यहाँ पे यूज किया मैंने, ये देखिए, जबकि इंक्लूड वंस के केस में अगर आपने यहाँ पे इंक्लूड वंस का इस्तेमाल किया है, ठीक है, कोड में एक बार इंक्लूड वंस इस्तेमाल कर दीजिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम इसने इंक्लूड कॉल किया, सॉरी इंक्लूड वंस को अब से ये ए डॉट पी एच पी फाइल को कॉल करेगा, ये देखिए यहाँ पे बाकी यहाँ पे एक बार इसने हमने इसको 3 times यहाँ पे यूज किया इंक्लूड अंडरस्कोर वंस को, लेकिन जब इंक्लूड अंडरस्कोर वंस पहली बार रन होता है फाइल अपलोड हो जाती है यहाँ पे कोड में आपके एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद जब नेक्स्ट आप इंक्लूड अंडरस्कोर वंस इस्तेमाल करेंगे तो वो फाइल दोबारा यहाँ पे पहले चेक करेगा कि क्या ये फाइल पहले से आपके इंक्लूड है कि नहीं है। अगर पहले से इंक्लूड है आपके तब वो इंक्लूड नहीं करेगा, अगर नहीं हो सपोज करो यहाँ से हमने फाइल कर दिया कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया session.php, मेरे पास एक फाइल ऐसी बनी हुई है एरर ना है इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देखिए session.php फाइल मेरी बनी हुई है। अब यह session.php फाइल बनी हुई तो जाहिर सी बात है session.php में जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये हेडर है, ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसको, यहाँ कुछ और लिख देता हूँ, इसको मैं कमेंट करके यहाँ देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूड वंस, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूड वंस। अब अगर देखा जाए बोर्ड में तो सबसे पहले ये सेशन में जो लिखा गया ये इको होगा, ठीक है, उसके बाद ये इको होगा और ये फाइल जो कि मैंने अब चेंज कर दिया है इंक्लूड वंस, तो 1 time ये इंक्लूड हो गई क्योंकि पहले चेक करेगा कि क्या ए डॉट पी एच पी यहाँ पे इंक्लूड है कि नहीं है, उसे मिलेगा नहीं क्योंकि हमने सेशन डॉट पी एच पी बदल दिया है, तो अब ये इंक्लूड होगा और इसके अंदर का जो कोड होगा वो भी रन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका कोड है इस ये भी रन होगा, लेकिन जो लास्ट का इंक्लूड वंस है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी 1 time इसके जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। करते हैं प्रैक्टिकल आउटपुट देखते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल इंक्लूड्स वंस थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो और फिर उसके बाद ए डॉट पी एच पी के जो कंटेंट्स हैं वहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर इसी के केस में मैं यहाँ पे इंक्लूड फिर से करा दूँ, इंक्लूड वंस को करने की बजाय इंक्लूड करा देता हूँ, ठीक है, तब देखिए
यहाँ आके प्रिंट हो गया। तो मेन जो डिफरेंस है वो इंक्लूड और इंक्लूड वंस में, कि इंक्लूड अंडरस्कोर वंस में फाइल एक बार सिर्फ इंक्लूड होती है, दोबारा अगर हमने उस फाइल को इंक्लूड अंडरस्कोर वंस के थ्रू इंक्लूड कराने की कोशिश की तो वो पहले चेक करेगा कि फाइल पहले से कॉल है कि नहीं है, अगर है तो वो इंक्लूड नहीं कराएगा। जबकि अगर सिर्फ इंक्लूड का इस्तेमाल करेंगे तो जितनी बार हम इंक्लूड का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार वो फाइल कॉल होगी। सेम टू सेम यही होता है रिक्वायर और रिक्वायरेंस वंस के थ्रू। अगर हम रिक्वायर वंस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे तो सेम होगा, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रिक्वायर और इंक्लूड में सिर्फ एरर और एग्जीक्यूशन का अंतर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिक्वायर वंस है या इंक्लूड वंस है, दोनों का मतलब एक ही काम। अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर वंस कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी रिक्वायर वंस कर देता हूँ, अब इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो आउटपुट दूसरा यहाँ पे रन नहीं होगा, क्योंकि वंस रिक्वायर वंस एक बार ये फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है, दोबारा अगर हम इसको कॉल करेंगे तो नहीं होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ रिक्वायर का इस्तेमाल करेंगे उस समय ये चेक नहीं करेगा कि पहले से फाइल इंक्लूड है कि नहीं, और उसको दोबारा लोड करेगा और उसके अंदर का जो ये देखिए स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस प्रैक्टिकल से आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है इंक्लूड वंस, इंक्लूड रिक्वायर एंड रिक्वायर वंस, ठीक है। तो रिक्वायर वंस का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो फाइल सिर्फ वन टाइम इंक्लूड होगी, ठीक है। अगर रिक्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितने टाइम आप रिक्वायर को कॉल करेंगे उतने टाइम फाइल इंक्लूड हो, ठीक उसी तरीके से जैसे इंक्लूड अंडरस्कोर वंस एंड इंक्लूड में होती है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नए वीडियो बना के उसमें भेज दूंगा, नए तरीके से आपको उसे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये मैं सोचिए कि आपके पास कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का ऑप्शन है, और वीडियोस में आपको जो बना के दे रहा हूँ उसे शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि जो मैं कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे कवर कर यहाँ पर कवर हो जाएंगे कि अगर आपने नहीं भी अगर आप बुक्स देखते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंटरव्यू फेस करने में, ठीक है। तो अभी तो मैं फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब जो नेक्स्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा उसे कवर करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, अनुरोध ही जाने से पहले कि चैनल को पहली बार देखकर तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, जिससे जितने भी वीडियोस मैं आपको यहाँ अपलोड करूँगा वो उसका मैसेज आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।